वेलकम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो उसको जरूर देख के आए। उस इंट्रोडक्शन में मैंने क्या करवाया है, सारे के सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं उस इंट्रोडक्शन में। इनको अगर आप रिवाइज करके आते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वेयर, इसको एक्स अगर मैं मानता हूं तो हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू में 1 cos 2x / 2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कोस बी, यानी कि यहां से ये 2 उस साइड चला जाएगा, सेकंड में ये फॉर्मूला लगेगा। तो एक बार इन दोनों को रिवाइज करो, फिर करते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। हो गए रिवाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, साइन स्क्वेयर 2x + 5। तो फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू में 1 cos 2x / 2। तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 cos 2 और यहाँ पर x है 2x + 5/2। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करूं तो याद आएगा 1 cos 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4x + 10/2। इसको इंटीग्रेट की फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 cos 4x + 10/2 और dx, इसको इंटीग्रेट करो। तो देखो भाई, आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले 1 का अलग से इंटीग्रेशन, बीच में अगर माइनस है ना, फिर cos 4x प्लस में 10 का अलग से, दोनों के अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/2 बाहर निकाल रहा हूं मैं इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलो तो अगले स्टेप में लिख लेंगे इसको, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 फिर से बाहर, ये 2 है ना, इसके लिए 1/2 बाहर निकाला है, cos 4x प्लस में 10। अब तो आप आसानी से कर सकते हो, एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.2 आप करके आ चुके हैं, आपको इंटीग्रेशन करना आ गया होगा। तो यहां से देखो 1/2 और 1 dx का हो जाएगा x, माइनस में 1/2 कोस, एक बार इसको x मानेंगे, कोस x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है, साइन x। ठीक है, यहां से हो जाएगा साइन और x क्या माना है, 4x + 10, फिर 4x, ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है, प्लस में c। ठीक है, इसको आप बंद कर लेना ब्रैकेट में, ये आंसर आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल इजी था, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा साइन ए और कोस बी, ये ऐसे 2 साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला है, इस 2 को हम इस साइड लेके आ रहे हैं 1/2 और अंदर है हमारे पास साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी, या आप यहां पर कह सकते हो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां से देखो ये हमारे पास ए ये बी, तो इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में साइन 3x cos 4x dx, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 आगे इंटीग्रेशन के अंदर साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी देखो 3x + 4x क्या हो जाएगा, साइन 7x, तो यहां पर डायरेक्ट लिख दिया साइन 7x। अब यहां पर देखो साइन ए माइनस बी 3x - 4x क्या हो जाएगा, साइन माइनस का एक्स। ये स्टेप समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूले का यूज किया है और वही चीज करने हैं dx। अब देखो 1/2 क्या है, आगे है और प्लस में है, तो दोनों का अलग अलग कर दें इंटीग्रेशन, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस, इस माइनस को आगे लेके आ रहा हूं मैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, यहां पर भी dx, तो 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 7x और अपॉन में 7, यहां पर ये 7x भी ना, तो इसका अपॉन में 7, माइनस में 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स, तो माइनस का कोस एक्स प्लस में सी, इसको आप लिख सकते हो। देखो यहां पर हमने माइनस नहीं लगाया, साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स होगा, तो यहां पर माइनस लगा देता हूं मैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 7x अपॉन में 7, सॉरी 14, 7 2 14 ना, तो अपॉन में 14 और यहां पर आ जाएगा प्लस में कोस एक्स बाय 2 प्लस का सी, ये सेकंड का आंसर हो गया भाई। थोड़ा बहुत ध्यान कर लेना, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कई बार, आपने नहीं करनी है। तो इस वीडियो में देखते हैं बस 2 ही क्वेश्चन, अगली वीडियो में देखते हैं अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।